भैया सारे कपड़े बाले ने कहनी ना उंदे कपड़े ना उंदे जूते हैं मेरे इने सिर्फ पहने के लिए हैं कि शकाना कपड़े मेलवाने ना वे वफादार है अल्लाह सब बंगड़े सी गरीब दी सुन के असा बहु गरीब लोग हैं पांच बच्चे हैं एक बेटा है चार निक्के हैं कपड़े कहनी कमाने के लिए ये थारे सामने हैं फटे हुए कपड़े चीरे हुए पहने सारे कोई तो नहीं है कहीं जो बच्चे को ना दे ना लाए पैर सड़ गए सियाला लुकाने के लिए कुछ नहीं है बिस्तर में सोने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। दुआ है रब्बे इज़्ज़त जलाल से मेरे देखने वाले जहाँ रहें अल्लाह पाक की हफ्ज़ अमान में रहें। तो नाज़रीन इकराम आज मैं मौजूद हूँ सिस्टर जी के पास जो पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, पाँच बच्चे हैं इनके, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। तो सिस्टर जी बहुत परेशान हैं अपने इन बच्चों के लिए, इनके पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। आपके सामने हैं, देख सकते हैं फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं सिस्टर जी के बच्चों ने। ये देखें इधर फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके हैं वो फटे हुए कपड़े हैं। तो अब लेते हैं सिस्टर जी से जबानी, ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर जी, कैसी हैं, तबीयत ठीक है। सिस्टर जी कितने बच्चे हैं आपके? पांच बच्चे हैं। तो सिस्टर जी आपका हस्बैंड क्या काम करता है? मेहनत मजदूरी करता है, शाम को मेहनत मजदूरी करता है। तो कितनी मेहनत मजदूरी, क्या क्या उजरत मिलती है उसको जब दिहाड़ी पर जाता है? किसी दिन 300 या 400 रुपए लेकर आता है। तो पांच बच्चे हैं घर में, बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तो सिस्टर जी आपने इन बच्चों के कपड़े फटे हुए हैं, इसके भी फटे हुए हैं, इसके है नहीं, क्यों नहीं पहना है इनको? भैया जी सारे तो गुंजाइश क्या नहीं होना लाए बच्चे इन पुराने लथेला में लोग थे मैंने पकवा गिन दे गुंजाइश लेकिन पुराना नहीं किया समझ जन के पकवा। तो सिस्टर जी का कहना है हमारे पास गुंजाइश नहीं है इन छोटे बच्चों के कपड़ों के लिए, कोई अपने उतरे हुए कपड़े दे देता है तो पहना देती हूँ। अब भी रिक्वेस्ट है मेरी, मेरे बच्चों के लिए कपड़े मिल जाएं, उतरे हुए मिल जाएं, वो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है क्यों गुर्बत है बिल्कुल, ताकि मेरे बच्चे अपना जिस्म ढांप सकें। आगे सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में कुछ नहीं है मेरे बच्चों के लिए, मैंने के लिए कैसे नहीं छत पहनी अच्छा उठाए उनकी छत गिर गई है तो सारे लोग गुंजाइश क्या नहीं जो ऐसा उनकी खेन के पाग नहीं छत परेशान है हूँ। सिस्टर अल्लाह पाक आपके लिए अच्छा वसीला बनाएगा, जो मेरे बहन भैया आपको देख रहे हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ हेल्प करेंगे इंशाल्लाह, परेशान ना हो। तो नाज़रीन किराम देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, ना ही इनके देखें जूते हैं और ना ही पहनने के लिए इनके कपड़े, फटे कपड़े पहने हुए हैं इन्होंने, फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं इनमें, वो भी जी वो भी आपके सामने है। ये सिस्टर जी का कहना है कि ये भी और दे देते हैं तो वो उतारते हैं तो मैं अपने बच्चों को पहनाती हूँ। सिस्टर जी की रिक्वेस्ट है मेरे बच्चों के लिए अगर कपड़े मिल जाएं, जूते मिल जाएं तो बहुत गरीब है मेरा भाई जी, बहुत गरीब है, बहुत गरीब है सारे जो बच्चे को ना लाए पैर सड़ गए सियाला लुकाने के लिए कैसे नहीं है बिस्तर न समय न तो सिस्टर जी की रिक्वेस्ट है मेरे साथ तावन किया जाए मेरे बच्चों के लिए। जूते और कपड़े नहीं है बिल्कुल भी नहीं है हमारे घर में, कुछ नहीं है। सिस्टर जी अपील कर रही है आप बहन भाइयों से, मेरी भी रिक्वेस्ट है ऐसी पुअर फैमिली के लिए, देखें फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं। तो आपके पास सिस्टर जी का कहना है मेरे बच्चों को जिस्म ढांपने के लिए कपड़े मिल जाए, मैं आपकी तह दिल से शुक्र गुजार हूँ। आमीन आमीन। सिस्टर जी रो रो कर अपील कर रही है आपसे अपने बच्चों के लिए, इनके तह कहने के लिए कि कपड़े मिल जाएं, तो आए सिस्टर जी का सहारा बने, इन बच्चों की दुआओं का हिस्सा बने इंशाल्लाह। सिस्टर जी आपने परेशान नहीं होना इंशाल्लाह, हम अल्लाह पाक की तरफ से आपके पास जरूर आएंगे। आमीन आमीन आमीन। तो नाज़रीन इकराम तब तक चाहूँगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट।